एक छोटा सा सारण सा जिम चलाता हूँ। इससे पहले मैं मार्शल आर्ट सिखाता था, ताइक्वांडो। मैंने तो बस सिर्फ स्पोर्ट्स को देखा है, बच्चों को सिखाना खेलना। छोटा सा आदमी है, मैंने 29 साल में यही किया। मुझे नहीं आता कुछ भी करना, मुझे नहीं आती राजनीति करनी। किस तरह की होती है राजनीति मुझे नहीं आती। मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ, मैं साधारण आदमी था। तुमने मुझे क्यों अपने साथ रखा? मैं तो जिम चला रहा था, कोई बच्चा आ गया मेरे पास, कहने लगा जिम जिम करना है गुरु जी, पैसे नहीं है। कोई बात नहीं यार, अपने हेल्थ पे ध्यान दे करो। कोई बच्चा आया मेरे पास, भैया जी मुझे चुनाव लड़ना है विधायक का। मैंने कहा ठीक है मेरे साथ चलो, मैं उसके साथ चला गया, वो जीत गया, कोई बात नहीं, खत्म हुई। और आप आए, आपने बोला दिनेश मेरे साथ चलो, फोन करे मेरे को, दिनेश आ जाओ, यहाँ आ जाओ, वहां आ जाओ। मैं सर आपके साथ चला गया। मनीष जी मुझे क्या है, मुझे तो राजनीति करनी नहीं थी, मुझे तो सिखा रहे थे आप लोग राजनीति कर, मुझे नहीं पता कैसी होती राजनीति। मैं तो एक मार्शल आर्ट का टीचर, फिर उसके साथ जिम 29 साल से यहाँ लोगों के बीच में, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ। मैं तो एक साधारण सा आदमी, और आप भी तो थे, आपने भी तो अन्ना थे, अन्ना दे, उसके बाद आपके प्रशांत भूषण से, साथ में योगेंद्र यादव जी थे, उनके साथ क्या हुआ है, कैसे क्या किया है? मुझे नहीं पता। मैं भी इसी एक कड़ी का, आप नहीं जानते थे मेरे बारे में 29 साल से, ये क्या कर रहा है, क्या है आदमी, क्या बैकग्राउंड है, किस तरह का आदमी, सब जानते थे आप। कैसे यूज होना है, आपने करना है, आपने किया हो, सब कुछ इस्तेमाल हुआ। आज दिनेश कहाँ है? मुझे मनीष जी माफ करो, मेरी बेटी के साथ जिस तरह का बिहेव किया है। आप चाहो कोशिश करो कि दिनेश से मिलने भी आओ, मेरे घर मत आना। मैं नहीं इस चीज के खिलाफ हूँ, जितना अपमान मेरी बेटी का किया है मैं तो बिल्कुल आपके खिलाफ हूँ। मुझे माफ करो, मैं आपको माफ करता हूँ। आप अपनी जगह ठीक हैं, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। आपकी पार्टी आपको मुबारक हो, मेरा घर मुझे मुबारक हो, मेरे बच्चे पहले हैं, मैं बच्चों के साथ रहना चाहूंगा। आप, मैं इस चीज से दूर रहना चाहता हूँ।